दुनिया के 5 मोस्ट एडवांस कार्स, जिसे देखने के बाद आप भी साइंटिस्टों को फ्यूचर के लिए थैंक्स कहने को मजबूर हो जाएंगे। नंबर 5, मार्स रोवर व्हीकल। ये वो कार है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नासा स्पेस सेंटर में इसे डेवलप्ड किया गया था और इसे बनाने में लगभग 5 महीने लगे। मार्स रोवर का लुक फ्यूचरिस्टिक है। ये 8.5 मीटर लंबा, 3.4 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा है। इस अनयूजुअल व्हीकल को मार्स की सतह पर लोगों को घुमाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो इस मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। इसमें यूज्ड मटेरियल्स कॉम्पोजिट और एल्यूमिनियम था, जो एसयूवी को बहुत हल्का बनाती है, जो है 2.7 टन के आसपास। कुल मिलाकर कार की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर घंटा है। हालांकि डेवलपर्स का कहना है कि मंगल ग्रह पर काम करने की गति 25 किलोमीटर घंटा होगी। इसके लिए मार्स रोवर के 6 व्हील्स को बहुत ज्यादा थैंक्स। 127 खास डायमीटर के साथ ये कार हर बाधा का मुकाबला कर सकता है, और इसमें टायर्स के बजाय एल्यूमिनियम डिस्क को रबर की पट्टियों से ढक दिया गया है, जिससे इसको रेत से जल्दी साफ किया जा सकता है। नंबर 4, यामाहा मोटेरॉयड। 2017 में यामाहा मोटेरॉयड का कॉन्सेप्ट देखा गया था। जापानी कंपनी यामाहा ने एक कंसेप्चुअल स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटरबाइक का डिजाइन रेडी किया था, जिसका नाम मोटेरॉयड था। डिजाइनरों ने डिजाइन के दौरान ओरिजिनल स्टाइलिस्टिक समाधानों का उपयोग किया, जिससे मॉडल को एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रूप मिला था। फ्यूल के रूप में बिजली का उपयोग करके मोटेरॉयड को इकोनॉमिकल बनाया गया था। साइड पर स्थित क्रोम सिलेंडर्स न केवल एक एस्थेटिक फंक्शन करते हैं, बल्कि वो बैटरीज को भी स्टाइल से रखने में हेल्प करते हैं, जो पावर रिजर्व का काम करते हैं। यह कोई शॉकिंग नहीं है कि हम इस इलेक्ट्रिक बाइक को यू ही स्मार्ट कहते हैं, बल्कि फैक्ट ये है कि ये बाइक अपने ड्राइवर के साथ बातचीत कर सकता है। बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बाइक चेहरे और शरीर की गतिविधियों को पहचान सकती है और ऑटोनोमसली ये आगे बढ़ सकती है। मेन जो इसके अंदर है, ऑटोमेटिक बैलेंस कंट्रोल सिस्टम एंड थैंक्स टू इट, उदाहरण के लिए यदि बाइक को धक्का दिया जाता है तो ये स्वचालित रूप से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। नंबर 3, रेनो फ्लोट। 2017 में एक और फ्यूचरिस्टिक का, जो इस बार रेनॉल्ट द्वारा डिजाइन को पेश की गई थी। बाहर से यह मॉडल किसी वाहन की तरह नहीं दिखता है, बल्कि ये उड़ने या तैरने वाले बुलबुले की तरह अधिक दिखता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कार को सबसे आम स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया था। कंपनी रेनो ने फ्यूचर की कार के बेस्ट डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की और रेनो फ्लोट उसका विजेता था। लिक्विड फ्यूल के बजाय ये कार चारों ओर घूमने के लिए बिजली का उपयोग करती है। ये उसी तकनीक का उपयोग करके हवा में तैरता है, जिसका उपयोग इलॉन मस्क अपनी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनों के लिए करते हैं। इस तकनीक की बदौलत रेनो फ्लोट कार को मोड़े बिना ड्राइवर किसी भी दिशा में इसे आसानी से चला सकेगा। बकेट सीट एंड स्लाइडिंग डोर से लैस इस कार के कई वर्शंस हैं। पहले मॉडल में बुलबुले के अंदर केवल एक व्यक्ति के लिए जगह होती है, एंड अन्य वर्शंस में यात्री के लिए एडिशनल सीट्स मौजूद हैं। नंबर 2, टेरा फ्यूजिया TFX। मॉडर्न व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हमें अपने नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ हर दिन आश्चर्यचकित करते हैं। टेरा फ्यूजिया की TFX एक वास्तविक उड़ने वाली कार है। कुछ सूत्रों के अनुसार इस मशीन का परीक्षण एक विंड टनल में किया जा रहा है। ये मॉडल रिट्रैक्टेबल विंग्स और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक मोटर्स विद ए कैपेसिटी ऑफ 600 HP के साथ बनाया गया है, जिससे कि कार की परिभ्रमण गति 322 किलोमीटर प्रति घंटे है और इससे 805 किलोमीटर तक एक बार में यात्रा कर सकती है। निर्माता का दावा है कि कार को 4 लोगों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और घर घर जाने में सक्षम है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाहन चलाने की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटराइज है। सही जगह पर जाने के लिए आपको बस इतना करना है कि सिस्टम में डेस्टिनेशन दर्ज करें। उम्मीद है टेरा फ्यूजिया TFX अगले 8 से 12 वर्षों में बाजार में आ जाएगा और इसका अनुमानित कीमत लगभग $3 लाख होगी। नंबर 1, पास 6x6 CBRN। यहाँ हमारे पास तुर्की की कंपनी FNSS का एक एक्सप्लोरेशन मिलिट्री व्हीकल है। इस कार की खासियत यह है कि ये कार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स अटैक से आपको बचा सकता है। इसी वजह से इसे ये नाम मिला। कार को कन्वेंशनल मिलिट्री पावर्स के आधार पे बनाया गया है, जो आर्म फोर्सेस को कंप्लीट सेफ्टी के साथ मूव करवाता है। यह मास डिस्ट्रक्शन हथियारों के साथ साथ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का पता लगाने और उसे पहचान करने के लिए एक सिस्टम से लैस है। इसे ड्राइवर, कमांडर और 2 सिस्टम ऑपरेटरों के अलावा 4 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पास 8x8 CBRN की एक बड़ी कॉन्फ़िगरेशन भी है,
जो 6 लोगों के लिए डिजाइन की गई है। वो कार 7 मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी है और उसका वजन 20 टन है। यह उल्लेखनीय है कि पास 6 CBRN अपने दम पर लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता है। दूर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और दोस्तों को ये अच्छी बातें पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए शुक्रिया।